खास करके जहानाबाद में, जैसे अरवल विधानसभा को हम लेते हैं, इसलिए कि मैंने जहानाबाद लोकसभा में अरवल विधानसभा में ही काम किया है, तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें देखिएगा चंदेश्वर जी अरवल विधानसभा से 100% लीड लेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है लीड लेने से। और दूसरे जगह मैंने दूसरे जगह के बारे में उतना जानकारी नहीं है कि कुर्था में क्या हुआ, मखदुमपुर में क्या हुआ, अत्री में क्या हुआ, घोसी में क्या हुआ, जहानाबाद में क्या हुआ, इसलिए कि मेरा फोकस अरवल विधानसभा पर रहा, मैं पूरा समय अरवल विधानसभा में दिया। सर आप स्पष्ट बताइए जहानाबाद जीत रहे हैं या नहीं, बता ही दीजिए। नहीं, अभी तो जीत रहे हैं हम, और जब एक विधानसभा जहां हम काम कर रहे थे जब वहां जीत रहे हैं, और तो हमको लगता है कि सभी जगह जीतेंगे। अरवल से माने विवादित जगह कहीं नहीं है, और जब पिछले बार भी चुनाव में हम लीड लिए थे वहां, इस बार भी लीड लेंगे। सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप अरवल में लगातार घूम रहे थे, लोगों के बीच में थे, अरवल में ही कई ऐसे गांव हैं, खास करके अगर हम भूमिहार समाज की बात करें तो वो लोगों का कहना था कि चंद्रवंशी जी हमारे गांव में आए तक नहीं, वोट मांगने तक भी नहीं आए, बहुत नाराजगी दिखी इस बार। और जैसा कहा जा रहा है कि भूमिहार का ज्यादा से ज्यादा वोट अरुण कुमार ने काट लिया है, चंद्रवंशी जी पर हार रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ अरवल विधानसभा के बारे में, स्वाभाविक बात है हम 5 साल एमएलए रहे हैं, तो हर एक गांव में 10-5 को समर्थक में हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है जो ब्लाइंड होते हैं। अरुण जी 16 साल यहाँ नेतृत्व किए हैं जहानाबाद का, स्वाभाविक बात है हर एक गांव में 2-4 आदमी है वो ही उनको वोट किया है, जनरल भूमिहार जिसको हम मानते हैं 80+ भूमिहारों का वोट एनडीए को गया है, नरेंद्र भाई मोदी को हाथ मजबूत करने के लिए गया। तो हम तो अपने सर्वे में तो देखेंगे ना, अपने जहानाबाद से आरजेडी लीड कर रही है, निकल रही है, वो गलत है। पिछले बार भी वो कह रहे थे कि हम लीड ले रहे हैं, मिठाई बांट लिए थे, मिठाई खा भी लिए थे, लेकिन जहानाबाद का नेतृत्व चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी किए थे, और आगे भी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी ही लीड करेंगे।